हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैट। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, SSC फेज 9 ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिस क्रम में हमने काफ़ी सारे टॉपिक सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं और आज हम लोग करेंगे SI और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने सवाल आए थे, जो कि मात्र 5 ही सवाल पूछे गए थे। इसका वेटेज इस एग्जाम में कम ही रहता है। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं SI और CI से, तो अच्छा स्कोर करना, तो आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, डैट मीन्स ओके। तो चलो देखते हैं ये 5 क्वेश्चंस कैसे थे। क्वेश्चंस काफ़ी आसान लेवल के थे, उतने टफ मैं नहीं कहूँगा। हमने परसेंटेज रेशियो एवरेज प्रॉफिट लॉस और अभी हम लोग SI CI कर लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क जो भी बचे हुए शिफ्ट है टॉपिक्स है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अब ट्राई किसी भी क्वेश्चन को, मैथ का क्या है ना, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं होते देन यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स, बट फर्स्ट आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो क्या कहा गया है, सर्टेन अमाउंट्स, सर्टेन सम, कुछ प्रिंसिपल थी जो कि 14,641 रुपये हो जाती है 10% से, जो कि पर एनम है इंटरेस्ट से। कंडीशन क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, मतलब वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। तो जैसे ही आपको इतना सुंदर डिजिट दिखा 10 और आपको दिखा 14641, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ईयर कितनी हो गई, ईयर हो गई 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 का अगर 2 टाइम लेंगे तो हम लोग कितना हो जाता है 21, 10 का अगर 3 टाइम लेंगे तो कितना हो जाता है 33.1, 10 का अगर 4 टाइम लेते तो कितना हो जाता है 4641। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको पता रहने से क्या है कि आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप ईयर निकालते बैठोगे। तो 4 साल वाले टर्म है, मतलब कितना होगा, ये प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे हमारे पास 10,000 रुपये। सिंपल क्वेश्चन हो गया ख़त्म। फिर बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम सिंपल इंटरेस्ट 3/2/5 ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 10% है, 3 साल के लिए कितना हो गया 30%, 2 साल के लिए हो गया, 2 महीने के लिए हो गया 4%, टोटल हो गया 34%, और टोटल पूछा है, ठीक है, मूलधन प्लस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000 प्लस इसका 34% ऑफ, तो आसान से आप बता सकते हैं 13,400 रुपये हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड ज़्यादा क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है, सिंपल से कहने का यह मतलब है। अगला क्वेश्चन देखोगे, बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 25,000 फॉर दिस ईयर दिस। देखिए सेम ही दिया हुआ है, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया गया है 25,000 और 3 साल के लिए मैंने आपको बताया था कितना होता है 33.1 होता है प्लस 2/5, मतलब देखो 2/5 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा ना, तो 33.1 प्लस 4% का आप सक्सेसिव निकाल दो कितना हो जाएगा 37.1 हो जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 = 12 कर दो, 5 × 4 = 12 = 13, 1.32 हो जाएगा। तो 1.32 इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2483, 38.42% इंटरेस्ट हो गया। 25,000 का 30% कितना होता है आप बोलोगे 7,000 रुपये, 7,500 रुपये होता है। 8% कितना होता है 25×8 = 1,000, और सॉरी 2,000, तो 9,500 रुपये हो गए आपके पास। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है, और 4/2 है, मतलब लगभग 0.4 का मतलब कितना होता है 1,000, मतलब 100, तो ये 100 हो गया, मतलब 9,600 रुपये से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैं पर डिटेल सॉल्यूशन पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी करें तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको पता होगा। अगर आपको डिटेल में जाना है देन कमेंट करेंगे, मैं डिटेल्स में ही बता दूंगा। एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड यही है, आपको दो जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्या, सर्टेन सम ऑफ मनी 11,520 हो जाता है 4 साल में 15% का सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब क्या है 60% है, मतलब 160%, इसको काट दो आप 100 से गुना कर दो, तो 16×7 = 112, 16×2 = 32, मतलब 7,200 रुपये क्या हो गया, तो बाबू लोग प्रिंसिपल हो गया। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर्स सेम रेट कंपाउंडेड 8 मंथली। देखो 15% से 8 मंथली हमें कंबाइंड करना है, तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×5 = 15, मतलब 10% तो इंटरेस्ट हो गया, और 3 बार के लिए निकालना है 8×8×8 3 महीने के लिए, तो 33.1 हो गया 3 बार के लिए।
प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 72 था, गुणा कर दो 72 एकम 72 का, दो हासिल 7, 72 216 और 7 216 7, तो 223 का 3 हासिल बच गया 2 22, 72 दिया 216 216 और 22 कितना हो गया 8 3 2 238 238। एक यहाँ पॉइंट लगा दो, तो इतना आपका इंटरेस्ट हो गया 2383.2 रुपीज। पूछा क्या था, टोटल अमाउंट पूछा था, तो इसमें आप 7000 कितना आया इंटरेस्ट, 2383.2, प्रिंसिपल कितना था 7500 रुपया, जोड़ दो 0.238538729883 हमने कहीं गलती किया क्या, 7200 प्रिंसिपल था ना, 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पर 9583 9583 9583, कहाँ ये नहीं है ये नहीं है, 9583 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, इसे मैं टफ नहीं कहूँगा। नेक्स्ट देखोगे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम पी, कोई प्रिंसिपल पी है, रेट हमारा आर परसेंट है, पर एनम 3 ईयर्स इतना, देखो 3 साल में हमको कितना मिल जाएगा, 3 ईयर मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिल जा रहा है 11250, 3 से डिवाइड कर दोगे इसको क्या बन जाएगा, 3 3 9 3 7 21 3 5 15 3750 रुपये बन जा रहा है हमारे पास। फिर क्या पूछा गया है, और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से 7650 रुपये हो जाता है, तो पी और आर के वैल्यू देखेंगे, 1 साल में 3750 मिल रहा, ऑप्शन देखेंगे, 92 का 6% 9 6 54, ये नहीं होगा क्योंकि 1 साल में 3700 मिल रहा ना, इसके 3700 ही के आसपास होगा, 9 7 6300 मिलेगा ये भी नहीं होगा, 9 5 4500 मिलेगा ये भी नहीं होगा, 9 4 36 मतलब ये आसपास आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू आप एलिमिनेशन मेथड से भी जल्दी कर सकते हो, पूरे सॉल्व करने की जरूरत कुछ नहीं है। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंटेज पर एनएम विल 14400 रुपीज अमाउंट्स टू 15876, आप इसको माइनस कर दो, 14400 माइनस करोगे 6741, मतलब 1476 रुपये आपको 1 साल में चाहिए। कंडीशन क्या है कि इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड करनी है, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो 14000 कितना परसेंट है, ये 10% से थोड़ा ज़्यादा है, तो 8% का करोगे तो 4 और 4 8 निकलेगा, 8.16 निकलेगा, ये तो होगा नहीं क्यों 10% है, 10 का निकालोगे तो 10.25 निकलेगा 5% से, 12 का निकालोगे तो 12 से प्लस ही निकलेगा, 15 से प्लस ही, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका 10 होगा। ठीक है, क्योंकि 10% से कितना ज़्यादा है, 10% से देखो 1440 रुपये थे, 1476 रुपये आए, तो 6 और 3 36 रुपये ज़्यादा है, तो 0.25% ज़्यादा है, तो 10% इज योर आंसर। क्वेश्चन होता है ख़त्म, और इसके साथ 5 सवाल आपके SI NCERT के मैंने कंप्लीट करवा दिए, आपकी SSC फेज 10 के आपके एग्जाम होने वाली है अगस्त, तो 1 to 5 आई थिंक शेड्यूल्ड है, तो सभी क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आने की संभावना होती है, क्योंकि फिर भी सर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन SSC एग्जामिनेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।